उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर एक बार फिर से योगी सरकार और उद्धव सरकार आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुंबई के दौरे पर हैं, जहां उनका फिल्म सिटी के इन्वेस्टर, उद्योगपतियों और फिल्म जगत के शख्सियतों से मिलने का कार्यक्रम है। यूपी में फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित करने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे को लेकर उद्धव ठाकरे के बाद अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी हमला बोला है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, मुंबई के फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं है। दक्षिण भारत में भी फिल्म उद्योग बड़ा है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटी है। क्या योगी जी इन स्थानों पर भी जाएंगे और वहां के निर्देशकों, कलाकारों से बात करेंगे, या क्या वहां केवल मुंबई में ही ऐसा करने जा रही हैं? उन्होंने आगे कहा, मैंने देखा है योगी जी मुंबई में किसी 5-स्टार होटल में अक्षय कुमार के साथ बैठी हैं। शायद अक्षय जी आम की टोकरी लेकर आए होंगे। मुंबई की फिल्म सिटी को कोई यहां से ले जाने की बात अगर करता है तो पहले योगी जी ये बताएं कि नोएडा फिल्म सिटी की अभी के क्या हालात हैं। बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुंबई में मुलाकात की थी। मुझे मालूम नहीं योगी जी तो मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे, योगी है मुंबई के एक 5-स्टार होटल में, एक बड़े कमरे में, बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे हैं। शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं हो। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी ज़रा मुंबई में आकर बताइए। और फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में नहीं, फिल्म सिटी दक्षिण के बहुत के राज्यों में, आंध्र में है, तेलंगाना में है, हैदराबाद भी तेलंगाना में, लेकिन साउथ की फिल्म सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ बड़े बड़े कलाकार है, वहाँ हिंदी फिल्म का निर्माण भी होता है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, फिल्म का निर्माण होता है। तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए इस सभी राज्यों में जाकर वहाँ के जो कलाकार है, वहाँ के निर्माता है, उनसे बातचीत करने वाले हैं, क्या उनका पंगा सिर्फ मुंबई से है? फिर भी अगर इस देश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फिल्म निर्माण के बारे में खड़ा होता है तो मुझे लगता है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी यूपी में बॉलीवुड जैसा फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि 100 साल से मुंबई को मिला बॉलीवुड का दर्जा खत्म हो जाएगा, लोग पूरी तरह से अन्य राज्यों में चले जाएंगे, बॉलीवुड के दर्जे को कोई खत्म नहीं कर सकता। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा था कि वो राज्य से किसी को जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र को किसी की उन्नति से जलन नहीं है, बशर्ते ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के तहत हो। छोटे कारोबारियों की हिमायत करने वाले एक संगठन IMC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकरे ने कहा, हम किसी की प्रगति से नहीं जलते, अगर कोई प्रतिस्पर्धा करके प्रगति करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जबरन कोई चीज ले जाना चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने राज्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टैगलाइन मैग्नेटिक महाराष्ट्र का उल्लेख करते हुए ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के पास अपनी संस्कृति और संस्थानों की शक्ति है। ठाकरे ने कहा, आज कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आपसे भी मुलाकात करेंगे और आपको निवेश करने के लिए कहेंगे, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की आकर्षण क्षमता का पता नहीं है, ये इतना मजबूत है कि लोग यहाँ से वहाँ जाना भूल जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को झटका लगा है,
लेकिन अब वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण बनी स्थिति स्थायी नहीं है और आर्थिक गतिविधियां बहाल हो जाने पर धन प्रभाव भी शुरू हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को मुंबई से बाहर ले जाने की साजिश की जा रही है।